नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर हरियाणा से है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को चंडीगढ़ में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों बल्लभगढ़ में हुई एक लड़की की हत्या की कड़ी निंदा की है और कहा कि राज्य सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए लव जिहाद पर एक बड़ा कानून लाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव लाएगी। मुख्यमंत्री वीरवार को चंडीगढ़ में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य सरकार ने बल्लभगढ़ में एक लड़की की हत्या की घटना पर कड़ा संज्ञान लिया है और हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की तर्ज पर एक कड़ा कानून लाने का फैसला किया है। मिलावटी शराब का सेवन करने से पानीपत और सोनीपत में 40 लोगों की मौत की घटना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में पुलिस ने गिरफ्तारी की है और मामले में आगे की जांच जारी है। उन्होंने बताया कि इस नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री के मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल में जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि में ऑटोमेटिक सिस्टम के माध्यम से 105 पास जारी किए गए जिन्होंने उसी के लिए आवेदन किया था और शराब के लिए केवल 2 पास जारी हुए। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष 7200 करोड़ रुपए के उत्पाद शुल्क संग्रह का लक्ष्य प्राप्त करेगी जो पिछले वर्ष के उत्पाद शुल्क 6700 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने कहा कि विभाग ने कोविड सेस के रूप में 170 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि अवैध कंपनियों का पुराना इतिहास रहा है लेकिन राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार और संपत्ति बिक्री के कामों को समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के लिए राज्य में भूमि बिक्री के कार्यों हेतु ई पंजीकरण प्रणाली को शुरू किया है। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में 2600 कॉलोनियों और नियमित किया गया है। इसके अलावा अभी भी राज्य में लगभग 6000 छोटी और बड़ी अवैध कॉलोनियां हैं जिनमें फिलहाल राज्य सरकार द्वारा पंजीकरण नहीं किया जा रहा है। इस बीच शहरी स्थानीय निकास विभाग से ऐसे तरीके खोजने के लिए कहा गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पंजीकरण केवल उन कॉलोनियों में किया जाए जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल जन या आवास योजना के तहत कॉलोनियों को विकसित करने के लिए कहा गया है जिसमें ईडीसी कम होती है। विधानसभा में अपने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अधिनियमों पर भ्रामक प्रचार रही है। कांग्रेस पार्टी भी अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किसान संगठनों को उकसा रही है और आज सबके सामने आ गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तीनों कृषि अधिनियम किसानों के हितों की रक्षा करेगी। सरकार के हर कदम की आलोचना करना कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। जो सबसे अहम विषय है जिसके बारे में मुझे आपको बताना है वो है किसान के हित में जो 3 कृषि विधेयक पारित करके केंद्र सरकार ने दिए हैं उसकी एक चर्चा लगभग 3 महीने से, पहले वो अध्यादेश आए, 1 महीना उसके ऊपर चर्चा हुई, बाद में वो विधेयक पारित हुए, उसके बाद भी लगभग 20 सितंबर से लेकर इस समय तक चर्चा हो रही है। कांग्रेस के हमारे मित्र अपने आप जितना खुल के बोलते हैं लेकिन कुछ लोगों को पीछे से सपोर्ट करते रहे हैं, खास करके कुछ किसान यूनियंस को, कुछ और लोगों को बैकअप करके कि भी हाँ ये किसान इस बिलों का विरोध किया जाए। उनका अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा है, वो आज बिल्कुल उजागर हो गया, अभी तक तो मानते नहीं थे कि हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। तो उन्होंने कहा कि इस पर हमने चर्चा करनी है और एक अमेंडमेंट प्राइवेट बिल के नाते से वो लेकर के आए। एलआर से जब चर्चा की तो एलआर ने कहा कि किसी भी सेंट्रल बिल में जो खास करके यूनियन लिस्ट के अंतर्गत जो विषय पर बिल बनाए जाते हैं उसमें अमेंडमेंट्स प्रदेश सरकार नहीं ला सकती, और वैसे भी चूंकि वो पूरे समय का पहले उन्होंने अध्यादेश में अमेंडमेंट किया था, अध्यादेश तो खत्म हो गए, बाद में विधेयक बन गए, तो विधेयक बनने के बाद उन्होंने नोटिस उसका दिया नहीं, वो पुराना लेके चल रहे थे, इस कारण से भी रिजेक्ट हुए। फिर उन्होंने कहा कि हम इसमें एक अमेंडमेंट बिल लाना चाहते हैं, अमेंडमेंट बाद में उन्होंने कहा कि एक रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं हम, तो उस रेजोल्यूशन को भी क्योंकि 15 दिन पहले रेजोल्यूशन देना पड़ता है कोई प्राइवेट मेंबर देता है, तो वो 15 दिन पहले नहीं लाए थे, 3 दिन पहले लाए थे, लेकिन उसमें भी देखा कि वही भाषा कि सरकार को कंडम करने की भाषा उसमें लिखी थी। तब ये विषय आया कि एक सरकारी जो रेजोल्यूशन है वो कभी भी लाया जा सकता है, तो जब उनकी बात सारी रिजेक्ट हुई तो उन्होंने कहा कि हमने बात तो जरूर करनी है, तो
तो फिर शॉर्ट ड्यूरेशन की अनुमति उनको दी गई कि शॉर्ट ड्यूरेशन की चर्चा हम करा सकते हैं, आपने जो बोलना बोलिए, लेकिन उसमें पूरी चर्चा होगी, दोनों पक्ष के लोग बोलेंगे। उस पर पहले वो तैयार नहीं हुए, बाद में जब वो अड़ गए कि हमें तो रेजोल्यूशन लेके आना है, रेजोल्यूशन लाया नहीं जा सकता, तो फिर ये विषय निकला कि उसमें एक सरकारी रेजोल्यूशन लाया जाए। उस पर वो मान गए कि ठीक है, सरकारी रेजोल्यूशन में हम अपना अमेंडमेंट दे देंगे। सरकारी रेजोल्यूशन पेश किया गया, आज उन्होंने उसमें एक अमेंडमेंट पेश किया। अब जब चर्चा कराने लगे तो उनका चर्चा नहीं कराएंगे, बिना चर्चा के वोटिंग कराइए।